अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। नए आने वाले तमाम व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूँ। उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मेरे बच्चे के साथ, जो कि आपको शरारतें करता हुआ नज़र आ रहा है। जो बेड की बैक पोशिश होती है उसके साथ शरारतें कर रहे हैं। इससे बचाने के लिए ये ऊपर कवर एक लगाया हुआ था, ट्रांसपेरेंट कवर, ताकि ये जो बच्चे हाथ लगाते हैं तो उससे बच सके और ये गंदा ना हो। लेकिन ये जनाब साहब ने ये भी उतार दिया है, फाड़ दिया इसको। तो अब हम इसको रीन्यू करेंगे, आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा है कि मिशाली ने इसको सारा ये मतलब कि उतार दिया था खींच खींच के, तो अब इसको दोबारा उतार रहे हैं। इसको दोबारा प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव रखने के लिए अब दोबारा लगाएंगे। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत शरारती हैं, वैसे ये अच्छा नहीं लगता ऊपर ये कवर, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं, इसको सेव रखना पड़ता है। क्योंकि इसका कलर भी कुछ ऐसा है कि वाज़ह दिखाई देता है, इसके ऊपर शो होता है कलर लगा हुआ। कोई भी किसी किस्म का बच्चे जब हाथ लगा देते हैं जल्दी से ये साफ भी नहीं होती इसकी पोशी। अब इसको उतारते हैं, उतार के नया लगाएंगे। ये कवर तो हमने उतार लिया, अब इसकी थोड़ी सी डस्टिंग करते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ से फटा था वहाँ पे इसके मतलब के डस्ट अंदर चले गई थी काफ़ी ज़्यादा। अब ब्रश के साथ इसको ज़रा क्लीन करते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए। ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जिन घरों में बच्चे हों वो भी शरारती, तो वो ये चीज़ें सेफ नहीं रहती, इसलिए इनको सेव रखने के लिए ये इस पर कवर कर देंगे फिर बाद में इसकी सफाई करके। तो साफ करके इसकी डस्टिंग करके तो फिर दोबारा इस पर कवर लगा के फिर आपको दिखाते हैं। डस्टिंग करने के बाद हम इसको करेंगे क्लीन फिल्म के साथ, फिर दोबारा इसको कवर करेंगे इसको सेव रखने के लिए। वैसे तो ये सेव भी हो जाती है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, इसको निकालना पड़ेगा फिर लेके जाना पड़ेगा और कॉस्टली भी है, तो इसलिए तो ये एक सादा सा तरीका है इसका। तो अब इसको करते हैं, इसको फिर दोबारा कवर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी हमने इसको कर लिया कंप्लीट और देखें कैसा लग रहा है। तो अब
अब ये है कि बच्चों से भी महफूज रहेगा और डस्ट वगैरह से भी, क्योंकि इसकी जो पोशिश है वो और कपड़े की होती है और टाइप की, तो वहाँ पे मिट्टी भी ज़्यादा वाजह होती है और जल्दी से साफ भी नहीं होता। तो अब आप बताएंगे कि ये कैसा लग रहा है? बाल आना है कि नहीं है? अभी इतनी मेहनत की है, बाल आ रही हूँ मैं, बार बार कहता हूँ बाल आ रही हूँ। अच्छा तो फिर अब देखिएगा, ये बाल नहीं आ रहा, फिर ये इसको खराब कर देगा। बच्चों से कैसे बचाएं इसको? चलो अब इधर बैठो, थोड़ा सा काम कर लें, इधर बैठ, इधर बैठ, चलो ग्लोब्स अंदर है। तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ मोहम्मद मिशारी और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।